चलिए सर, वेलकम अगेन। जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, दो चैप्टर्स हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे। उसके बीच में क्लास में कोई ब्रेक आ गया था कोई किसी कारणों की वजह से, जिसमें जो है लोग बाग कॉपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए ठीक है ना। तो फिर से क्लास स्टार्ट कर दी गई है और हमारे भी जो है 8th, 9th, 10th क्लासेस चल रही थी, तो उसको देखते हुए टाइम नहीं था। तो अब थोड़ा टाइम मिला है जिसलिए हम स्टार्ट कर दिए। ट्वेल्थ की बातों बात में क्या कहते हैं, बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा जो है चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, दो चैप्टर हमने कर लिए थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी ने कोई पूछा नहीं है। इसको नए फ्रेश के साथ स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर जो है मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। ठीक है, इंडियन फेडरल सिस्टम जो है उसके मेन एलिमेंट्स हमको पढ़ना है। चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पता क्या होनी चाहिए कि भाई ये जो फेडरल सिस्टम है, ये जो है ये है क्या, फेडरेशन होता क्या है। फेडरेशन जो है वो होता क्या है। फेडरेशन कुछ नहीं है, इसका मीनिंग होता है एसोसिएशन या एग्रीमेंट या ट्रीटी टाइप का होता है। ये एक्चुअली क्या है, एक फॉइडस वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज जो है उसका एक वर्ड है फॉइडस, वहां से इसको लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट, ट्रीटी या एग्रीमेंट। तो फेडरेशन जो वर्ड है फॉइडस से बना है, लैटिन लैंग्वेज का है ये, बुक में शायद नहीं। ठीक है, तो जिसका मीनिंग होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट, मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे छोटे छोटे स्टेट्स या छोटी छोटी एंटिटीज या छोटे छोटे ग्रुप जो है, चाहे तो फिर वो वीक हो सकते हैं या फिर वो सब साथ में आना चाहते हैं, किसी भी कारण से एक साथ आकर एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं, एक बड़ा जो है ग्रुप बनाते हैं, जिसको हिंदी में संघ भी बोलते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है फेडरेशन। क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जिससे क्या हो, अगर जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो पूरी कंट्री में या पूरे ग्रुप में जो है इक्वल हो सके, बराबर हो सके। ऐसा नहीं है कि कोई चीज पीछे छूट जाए। तो उसी को देखते हुए फेडरेशन वर्ड जो है, फेडरल सिस्टम जो है, फेडरेशन से आया है फेडरल सिस्टम, मतलब कि गवर्निंग करने की एक ये प्रोसेस है, जिसको कहा गया है फेडरल सिस्टम। इंडिया फेडरल सिस्टम क्यों है, क्योंकि इंडिया इसलिए है कि एक बड़ा कॉमन से पावर सेंटर है जो है सेंटर में, उस सेंटर के अराउंड में बहुत से स्टेट्स हैं। ठीक है ना, तो स्टेट्स क्या हुए, आपस में एक साथ ट्रीटी हुई थी हमारी, जब कब 1947 में जब हम फ्री हुए थे, आपको पता हो पुलिस के स्टेट वगैरह ने ये कहा था पहले हम जुड़ेंगे नहीं, कश्मीर वगैरह ने कहा था, फिर वो जुड़े, वो सब पूरी स्टोरी अलग। तो उन लोगों ने जुड़ के एक पूरा कॉमन कंट्री बनाई, उस कॉमन कंट्री को चलाता कौन है, सेंटर। पर सेंट्रल जो है पूरी कंट्री को एक साथ एक जगह नजर नहीं रख सकता, हर स्टेट पर इक्वल रखने के लिए क्या कर दिया है, जो स्टेट जो थे उनको भी पावर दे दिया है, तुम भी जो है तुम्हारे हिसाब से काम करते रहो, पर रहोगे किसके अंदर, सेंट्रल के अंदर में रहोगे, कंट्री एक रहेगी, कंट्री अलग नहीं होगी। स्टेट ने यह देखा पूरा स्टेट जो है एक साथ हमारे कैसे काम करेगा, हमने क्या कर दिया, और पंचायत लेवल पे भी जो है छोटे छोटे ग्रुप डेमोक्रेसी दे दी, कि जिससे वो लोग कुछ खुद के फैसले जो है बिलो लेवल पे या अंडर लेवल पे खुद भी ले सके। इस तरह से जो एक ग्रुप बना है पूरा, ठीक है, और पूरा ग्रुप बन के एक कंट्री बनी है, उसको कहा जाता है फेडरेशन, संघ या एक फेडरल सिस्टम, जिससे पूरी कंट्री जो है गवर्न या चल रही है। ठीक है, अब बात आती है कि जो फेडरेशन है क्या इसका ये एक ही स्टेप है, नहीं, एक स्टेप ये है और एक दूसरा स्टेप क्या होता है भाई, इसमें तो क्या हुआ था कि छोटे छोटे स्टेट जो है वो सब साथ में आए और उन्होंने क्या बना दिया, एक मजबूत सेंटर बना दिया जिसके अंडर में वो काम करेंगे। एक दूसरा और प्रोसेस होता है जो भी फेडरेशन के अंडर में आता है, उसमें क्या होता है, एक बड़ा सेंटर जो है वो अपनी पावर्स को जो है वो डिवाइड कर देता है, और जिसके बीच में डिवाइड करता है उनको बोल देता है तुम स्टेट हो, तुम क्या हो, स्टेट हो, अपना अपना काम अपने हिसाब से करो, पर कंट्रोल तुम्हारा, बात एक ही है, चाहे तो स्टेट सेंट्रल में मिले या सेंट्रल डिवाइड होकर छोटे छोटे स्टेट में बदल जाए, एक ही चीज है, पर इसके दो स्टेप कहे जा सकते हैं, बस इतना ही है मीनिंग इसका फेडरेशन का, ये फेडरल सिस्टम क्या होता है इसका मीनिंग यही है। ठीक है ना, अब इसको जो है अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कहा जाता है, हमारी कंट्री में आपने देखा होगा फेडरल कंट्री भी कहा जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल कंट्री भी कहा जाती है, जिसको पूरा काम चलाता है, सेंट्रल पार्लियामेंट में बैठ के पूरा कंट्री चलती है, पर आपने देखा होगा स्टेट वाले भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक यूनियन गवर्नमेंट, एक पावर सेंटर, एक मेन पावर सेंटर तो है पूरी कंट्री में, पर वो क्या है पूरी कंट्री को एक साथ नहीं चला सकता है, तो उसने क्या किया, स्टेट को अपने अंडर में लेते हुए उनको भी ऑटोनॉमी दे दी है कि तुम तुम्हारे हिसाब से काम करो। फिर
अब नजर कैसे रहेगी कि भाई सेंट्रल और स्टेट के बीच ऑटोनॉमी दे दी है, बताएगा कौन स्टेट के भाई स्टेट के अंदर हो क्या रहा है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या चीज चल रही है, यूपी में क्या चल रहा है, आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा है, तेलंगाना जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है, तो इसमें क्या कर दिया सेंट्रल ने अपनी तरफ से एक गवर्नर को वहां पर भेज दिया। गवर्नर क्या करेगा, पूरे स्टेट पर नजर रखेगा और वहां पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो किसको खबर देगा, प्रेसिडेंट को खबर। साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज करती, जिसको आईएएस वगैरह कहते हैं, आईपीएस वगैरह आपको पता होता है, आईएएस फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह दूसरी। इसमें क्या होता है, कलेक्टर जो हो गए या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जो हो गए वो क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में हेल्प किसको कर रहे हैं, स्टेट को हेल्प किसको कर रहे हैं, स्टेट को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सेंट्रल ने क्या किया, या स्टेट जब साथ में मिले 1947 में जब साथ में मिले, हम जो है एक साथ में रहेंगे, एक सेंटर के बीच में काम करेंगे। स्टेट ने कहा कि भाई अपने दोनों के बीच में जो है कंट्रीब्यूशन या एक दो पैरेलल कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सब जगह तो मैं नजर रख नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, अपने कुछ कुछ आदमी जो है आपके यहाँ भेज देता हूँ, वो आपको पूरा हेल्प करेंगे चीजें करने में, फंड लाने में, जो भी पैसा आएगा वो कलेक्टर के पास आएगा, कलेक्टर जो है आगे पासवर्ड कर देगा या जो भी चलता है। साथ ही साथ बात है स्टेट की, कलेक्टर तो एक था, हर डिस्ट्रिक्ट का एक हो सकता है, पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम चलेगा। तो स्टेट की खुद की भी सिविल सर्विसेज होती है, आपको पता हो, जिसको अपने राजस्थान की बात करें तो आरएसआरपीएस जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, वो क्या करते हैं कलेक्टर के अंडर में काम करते हैं। जो भी सेंट्रल से काम आता है वो सबसे पहले किसके पास आती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टर के पास। फिर कलेक्टर क्या करता है, अपने जो भी आरएस वगैरह है उनके बीच में जो है इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करता है, ताकि क्या हो, वो जो चीज है, वो जो पॉलिसी जो है वो ज्यादा लेवल तक पहुंच सके। अकेला खुद कलेक्टर भी तो हर जगह नहीं जा सकता, उसने क्या किया, आरएस के अंदर में क्या होंगे, आरटीएस तहसीलदार होंगे, तहसीलदार के अंदर में आरआई होंगे, आरआई के अंदर में बहुत सारी चीज होंगी। पुलिस की बात करूं, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा आदमी होता है वो होता है आईपीएस, जिसको अपन एसपी कहते हैं, ठीक है। सुपरिटेंडेंट क्या करता है, बेचारा हर जगह जा नहीं सकता, उसने क्या कर दिया, अपने अंडर में आरपीएस रखे हुए, डिप्टी एसपी जो होते हैं, उन डिप्टी एसपी के अंडर में सीआई होते हैं, सीआई के नीचे जो एसआई होते हैं, एसआई के नीचे जो एएसआई होते हैं, एएसआई के नीचे जो हवलदार होते हैं, इससे क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता है। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जब हर जगह नहीं पहुंच सकता तो उसने क्या किया, अपने के अंदर क्या है, अपने कुछ पार्ट्स कर दी, हमारे यहाँ पे 28 पार्ट्स कर दिए, स्टेट कितने 28, यूनियन टेरिटरी 8 हो गई, और उनके अंदर भी और सब डिवीजन कर दिया और अपनी तरफ से आदमी वहां अपॉइंट कर दिए, ताकि क्या हो सके, स्टेट और सेंटर के बीच में तालमेल बना रहे, जिससे क्या हो सके, पूरी कंट्री एक लगे, डिफरेंट नहीं लगे, पूरी कंट्री क्या लगे, कि भाई पूरी कंट्री एक है। इस चीज को, पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके दो वेज है, मीनिंग क्या होता है, पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम क्या करते हैं, बुक में अपने जो है वर्ड टू वर्ड चलते हैं, उसमें और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस, ठीक है ना। चलिए, चलिए बुक निकाल लो भाई। हैविंग अ गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर इज नोन एज फेडरलिज्म। इसने भी वही बात की है कि गवर्नमेंट के जब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवीजन हो जाते हैं और उसके जो है पावर जो है वो बट जाते हैं, तब जो सिस्टम बनता है वो क्या कहलाता है, फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम बनता है। ये मैंने अभी आपको बताया। चलिए, अंडर दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज कैरीड ऑन बाय द सेंटर एंड इट्स डिफरेंट यूनिट। इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है, जो पूरी कंट्री है, जो भी सेंटर है हमारा, वो क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर बंट जाता है। कैसे, सेंटर है, सेंट्रल के बाद स्टेट है, स्टेट के बाद पंचायत है, और उनके सब में अलग अलग ऑफिसर्स है, जिससे क्या हो रहा है, आपसी तालमेल के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट भी होता जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाई टू प्रोसेसेस। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो दो प्रोसेस से बनती है, अभी मैंने बता चुका हूं, फिर से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, डिफरेंट प्रीवियस यूनिट कंबाइन इनटू वन। डिफरेंट प्रीवियस मतलब कि पहले भूतपूर्व जो भी छोटे छोटे स्टेट जो थे वो आपस में मिल जाते हैं। कैसे, जब इंडिया फ्री होने वाला था या जब फ्री हो रहा था 1946-47 के आसपास, तो 565 के आसपास जो हमारे यहाँ छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट और छोटी छोटी चीजें थी। अब इतनी सारी होती तो इंडिया कितना डिवाइडेड होता छोटे छोटे पावर्स के बीच में। तो ये सब ने क्या किया कि हमारे आपस में जो है, हम सब खुद जो है पूरा पूरा गवर्निंग नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते, आपस में मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे मिलते 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 वो 565 या 563 जो थे, अब कितने हो गए, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में हो गए। जिससे क्या हो सके, गवर्नेंस जो है या जो
पॉलिसीज मेकिंग जो है वो इजीली हो जाती है और हम एक पूरे सेंट्रल कंट्री में आ जाते हैं, पूरी कंट्री कंबाइंड रहती है। ऐसा नहीं है कि साउथ अलग काम कर रहा है, नॉर्थ अलग काम कर रहा है, ईस्ट अलग काम कर रहा है, वेस्ट अलग काम कर रहा है, सेंट्रल अलग काम कर रहा है। इसमें क्या हो जाता, पूरी कंट्री डिवाइडेड होती। और हमारी कंट्री जिसके अंदर इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने अंदर कास्ट है, इतने सारे अलग अलग चीजें हैं बोलने की लिखने की, उस कंट्री को संभाल पाना कितना मुश्किल हो जाता। तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपर्स जो थे उन्होंने ये कहा कि इंडिया को हम फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन बनाएंगे, जिससे क्या हो सब लोग एक साथ मिलकर काम चले, कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहे। सेकंड वन, बिग पॉलिटिकल यूनिट डिवाइड इटसेल्फ इनटू डिफरेंट यूनिट। वही बात मैंने अभी आपको बताई कि बड़ी एक सेंट्रल चीज या बिग पॉलिटिकल यूनिट क्या करती है, अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में छोटा कर लेती है, जिससे क्या हो गवर्नेंस जो है वो इजी हो जाए। दोनों चीज में अभी आपको बता चुका। With a view to providing efficient governance, governance मतलब कि जो government जो welfare का जो program है, जो development का program है, वो देने की जो process है उसको कहते हैं governance, ठीक है, वो easy हो जाए, लोगों तक आराम से पहुंच सके, इसलिए हमने ये चीज adopt की। At present, sorry, the example of first process is the USA and second is India, ठीक है। पहला वाला जो था इसमें क्या था कि बड़ा वाला छोटे छोटे यूनिट मिलकर एक साथ में आ रहे हैं, और एक में क्या था बड़ा पार्ट जो है डिफरेंट पार्ट में टूट गया है। तो दोनों के एग्जाम्पल एक यूएसए है और एक इंडिया है, ठीक है, बात वही है, बस एक मिलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको अभी बताया। At present, USA, Australia, Switzerland, Russia, Canada and India are considered successful federal countries. अभी जो है ये countries federation, ये federal countries कही जाती है। In India, a federal government has been established under a constitution. एक constitution के अंदर में जो है एक federal government काम कर रही है, किसके, India के अंदर। However, the term union of state has been used in place of federalism. और फिर भी अब जो है हमारी कंट्री में आपको पता हो तो हम इसको फेडरल कंट्री नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल 1 जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर लिखा है इंडिया का नाम क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट छोटे स्टेट जो हैं, उनसे मिलकर बना हुआ एक कंट्री, उनकी यूनियन, उनका एक जो ग्रुप है वो क्या है, इंडिया है, ठीक है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है इंडिया क्या है, फेडरेशन है, इंडिया क्या है, फेडरेशन है। ये क्यों नहीं लिखा है, इसके कुछ कारण है, इसके कारण क्या है आप नोट कर लेना अभी यहीं पर, ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट है फेडरेशन क्यों नहीं है, इसका कारण, इसका जवाब मैं अभी जस्ट देने वाला हूं जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तब उस वक्त मैं आपको कहूंगा, मैंने अभी आर्टिकल 1 में आपको बताया था क्यों नहीं है, हम फेडरेशन क्यों नहीं लिखते, ठीक है ना, तो याद रखना। चलिए, हाँ, अ फेडरल स्ट्रक्चर हैज बीन रियलाइज्ड बाय इंप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विद द सेंट्रल पावर ऑफ द एंड द पावर ऑफ 14 स्टेट जो है ये बात कर रहा है, जब हम 47 की बात है, जब 1947 की बात है, ठीक है, जब हम कंबाइन हुए थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, 565 स्टेट थे हमारे यहाँ, हम सब कंबाइन हो गए, उस वक्त कितने स्टेट बने थे, 14 स्टेट। फिर ये 1956 की बात है, 1947 से जो है एक कमीशन बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली कमीशन उसको कहा जाता है, आप इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, 1956 में जब है उस वक्त हमारी कंट्री में कितने स्टेट बने थे, 14 स्टेट बने थे, वो आज ये धीरे धीरे टूटते टूटते हम कितने हो गए, 20 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। 9 हुआ करती थी, 8 हो गई क्योंकि दमन दीव दादर नागर जो है उसको एक कर दिया, पहले दमन दीव अलग थी, दादर नागर अलग थी, अब हमने चारों को एक साथ कंबाइन कर दिया है, इसलिए पहले 9 से अब 8 यूनिट टेरिटरी हो गई, स्टेट जो 28 हो जम्मू कश्मीर वाला मैंने आपको बताया रखा है, तो 28 स्टेट हो गए, ठीक है ना। तो इससे ये 14 उसकी बात कर रहा है कि जब हम फ्री हुए थे तब हम कितने थे। अब कोई कहेगा ये 14 से 28 की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी कि स्टेट उस टाइम पॉपुलेशन कम थी, तब तो काम चल गया, धीरे धीरे जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी तब लगने लगा कि एक स्टेट के अंदर इतनी पॉपुलेशन को मैनेज करना थोड़ा इजी नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था, भाई तमिल और तेलुगु एक साथ जुड़े हुए थे तो उनको फिर अलग कर दिया, क्या तमिलनाडु अलग कर दिया, आंध्र अलग कर दिया, ठीक है ना, मलयालम की प्रॉब्लम हो, फिर यूपी की प्रॉब्लम हो, फिर बिहार से बिहार का आपको बताओ तो बिहार को भी फिर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, झारखंड उत्तराखंड, ठीक है, ये सब छोटे छोटे आ गए, वो लैंग्वेज के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो है, और अगर हो सके राजस्थान जो है इतना बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया में, राजस्थान, हो सकता है कि राजस्थान को भी जरूरत पड़ जाए, तब हम क्या करेंगे, राजस्थान के भी 2 पार्ट करने पड़ जाए, पर वो बात की बात है, अगर जरूरत पड़ी तो, अभी जरूरत इतनी नहीं है, तो हो सकता है स्टेट बढ़ जाए, तो कोई ये नहीं कहेगा 14 से 28 के बढ़ गई। सॉरी, चलिए, एट प्रेजेंट देयर आर, थोड़ा इसमें गलत लिखा हुआ है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज दैट आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हमारी कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, साइड में लिख देना, ठीक है ना, या आप चेक भी कर सकते हो। अब
मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, जो फेडरेशन है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स है, उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये हमको अभी देखना है। सबसे पहले क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर, ठीक है, इंडिया के जो है जो भी पावर्स है उसके अंदर क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे, मैंने आपको बता चुका हूं कि इंडिया जो है वो तीन लिस्ट के हिसाब से चलती है, एक है यूनियन लिस्ट जो यूनियन के काम का है, एक है स्टेट लिस्ट जो स्टेट के काम का है, एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें वो मैटर्स आते हैं जो दोनों के यूजफुल है, कौन किसके लिए, सेंट्रल के लिए भी यूजफुल है और स्टेट के लिए भी यूजफुल है, ठीक है, और अगर जरूरत पड़ी तो उसका दोनों पे कानून कौन बना सकता है, सेंट्रल भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, किसमें, कॉन्करेंट की बात कर रहा हूं, फिर भी अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो चलेगी किसकी, सेंट्रल की, क्योंकि सेंट्रल ही हमारे यहाँ पे मेन है, क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल मेन है, जिसके अंदर आपको बताया फॉरेस्ट वगैरह, बैंकिंग, डिफेंस, वो मैंने सब लिखवाए थे चैप्टर फर्स्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके तीन लिस्ट है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है। चलिए, तो ये सबसे बड़ी इंडिया की, आपने शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इंडियन फेडरेशन की विशेषता या फेडरेशन क्यों है, तो पहला पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ पे क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है कि सेंट्रल इन इन मुद्दों पे काम करेगी, स्टेट जो है वो इन इन मुद्दों पे काम कर सकते हैं, और एक अलग से और कैटेगरी बनाने की कॉन्करेंट वाली, एक और रेजिडरी है जिसके अंदर तीनों ही नहीं आते, है वो अलग भाग में बताता हूँ। अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल 1 की बात है, अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 246 द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये पार्ट की बात कर रहा है, अंडर पार्ट 7 आपको बताया था कितने पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन अंदर, अंडर पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 246 द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट हैज बीन डन बाय अ लिस्ट सिस्टम, एक लिस्ट बना रखी है, मैंने बता चुका हूं आपको, द सेंटर हैज द राइट टू इनैक्ट लॉज ऑन 97 सब्जेक्ट इवन इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट है एक, उसके अंदर 97 सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसके अंदर पावर कौन बना सकता है, लॉज कौन बना सकता है, सिर्फ सेंटर बना सकती है। The states have the right to enact laws on 66 subjects given in the state list. और state जो है वो 66 subject पे अपने कानून बना सकता है, बनाओ। Whereas on 47 subject of the concurrent list, both the center and the state can enact laws. But in case of conflict between the laws of the center of any one of the state or any subject of the concurrent list, the law of the central shall prevail. वही बात है, इसमें कुछ बात नहीं की है। एक तो बना रखी है आपके central list, यूनियन लिस्ट, एक बना रखी है स्टेट लिस्ट, एक बना रखी है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसके अंदर डिफरेंट, इस पे कानून कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ पे, पार्लियामेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट असेंबली के अंदर, कहाँ पे, अलग अलग स्टेट में, कॉन्करेंट दोनों बना सकते हैं क्योंकि स्टेट की चीजें अलग होती है, इसकी अलग होती है, पर फिर भी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में अगर इंडिया के नाम पर फैसला लेना हो तो फिर उस वक्त क्या हो सकता है, स्टेट का कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा और चलेगी किसकी, सेंट्रल की। ये कब कंडीशन होगी, जब जरूरत पड़े कि पूरे इंडिया को साथ में लेकर चलना है, उस वक्त ही चलेगी, बाकी अमूमन जो है स्टेट अलग, कॉन्करेंट अलग, और ये चीज अलग काम करती है, ठीक है, दोनों लोग इसके कानून बना सकते हैं अपने यूज के हिसाब से, ठीक है ना, वही चीज बताइए, इसमें कोई स्पेशल नहीं लिखा हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द रेजिडरी पावर्स हैव बीन वेस्टेड इन द सेंटर, इसके अलावा, इन तीन के अलावा और अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक बच जाता है, कुछ है टॉपिक, ठीक है ना, तो वो किसके अंदर में होंगे, वो भी सेंट्रल अंडर में ही होंगे। बिकॉज ऑफ दीज पावर्स ऑफ द सेंटर, एक्सपर्ट्स कॉल इट इमॉर्टल यूनियन ऑफ मॉर्टल स्टेट, ठीक है, और इसमें बहुत भयंकर वर्ड दे दिया है, मॉर्टल क्या होता है, वो जो जीवित होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जो आत्मा से रिलेटेड होते हैं, जीवित होते हैं, ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक ऐसा यूनियन है, इंडिया क्या है, एक जीवित स्टेट्स का ऐसा यूनियन है जो है भी और नहीं भी, मतलब जीवित का अजीवित जो है, इस वर्ड को आप ज्यादा इसको कंसीडर मत करो क्योंकि आपको समझ में ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको बाद में क्लियर कर देंगे। एंड कंसीडर इट एज ए फेडरलिज्म ऑफ सेंटर्स डोमिनेशन, ठीक है, कुछ कुछ स्कॉलर्स क्या कहते हैं, एक ऐसा फेडरलिज्म है, एक ऐसा फेडरेशन है जिसपे चलती किसकी है, आप कितने भी लिस्टें बना लो, चल तो सब जगह सेंटर की रही, वो यही बोल रहा है कि मतलब जो स्टेट जो है ना, जो आपके स्टेट जो है वो सारे सारे क्या है, ठीक है, मरे में है, ये एक तरह से जीवित नहीं है, जीवित भी है तो किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल कंट्रोल में, वो इमॉर्टल और मॉर्टल स्टेट बोल रहा है, ठीक है, ये फ्रेज थोड़ा सा इसने अलग दे रखी, ठीक है, और कुछ इसमें स्पेशल नहीं कर रहा। तो पहली बात क्या थी, एक ही मेन लॉजिक है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजिली हो रखा है, क्लियरली दे रखा है पार्ट 7 के अंदर, आर्टिकल 246 के अंदर, कि भाई तीन तरह के लिस्ट है, इस वजह से ये लोग कानून बनाएंगे, इसलिए इंडिया क्या है, फेडरेशन है या फेडरल सिस्टम है, बस आपको इतना ही नॉलेज में रखना है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंडिया फेडरल क्यों है,
इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मैं बता चुका हूँ आपको। इम्पार्शियल मतलब कि हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ठीक है। आप सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाओ, आपको अगर फैसला पसंद नहीं आया तो आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में फैसला पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। इम्पार्शियल है और इंडिपेंडेंट है। क्यों है इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट, आपको बताओ। 11th के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इनके वेजेस फिक्स है, सैलरी फिक्स है, एज फिक्स है, इनको जो है कहीं पे भी जो है हटा नहीं सकते जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन नहीं करते। इनका जो हटाने का मेथड है इम्पीचमेंट इसको कहते हैं, वो भी बहुत हार्ड है, इजिली हट भी नहीं सकते हैं। ये किसी के फेवर में काम नहीं करते, ये किसी के अनफेवर में काम नहीं करते, सबकी भलाई के लिए इक्वल काम करते हैं। कौन? जुडिशरी जो है वो। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। To have an impartial and independent judiciary is essential to the proper functioning of a federal system. ये बोल रहा है, अगर country जो है वो federal कब होगी, जब हमारे यहाँ पे impartial और independent judiciary हो, judiciary किसी के दबाव में नहीं हो, अपने हिसाब से काम करने वाली हो, तभी कोई भी country, इंडिया नहीं कोई भी country, तभी federal हो सकती है जब वो है इस तरह के उसमें मिले sorry। Only this can establish the rule of law and dispute between the center and the state can be resolved as per the provision of the constitution। और जो rule of law जो है constitution के जो laws बनाए हुए हैं, जो rules बनाए हुए हैं, तब चलेंगे। कब चलेंगे? तभी चलेंगे जब judiciary जो है वो independently आराम से काम करे। आपको पता है government के तीन part होते हैं, legislature, executive और judiciary। इन दोनों पे watchdog रखता है और अगर ये दो कुछ गड़बड़ करते हैं तो judiciary इनको कंबाइन जो है इसको कस देता है, भाई आपके चीज से गलत कर रहे हो। उसके लिए फिर रिट वाला फंक्शन भी आर्टिकल 32 में आपको मैं पढ़ा चुका हूं। There were many such occasions when the Supreme Court protected the federal system of the country by making the constitutional status between the center and the state clear before them। ऐसे बहुत बार आ चुकी है चीजें कि जब दोनों के बीच में, किनके बीच में, सेंटर और स्टेट में लड़ाई हो जाती है। बोले नहीं नहीं आप क्या दे रहे हो कि ये जो इस पे कानून कैसे बना सकते हो, और इस पे कोई जरूरी नहीं थी क्योंकि वो ये दिखा हुआ है इसके अंदर कि स्टेट इस पे कोई भी कानून बना सकता है, पर चलेगी किसकी? फिर भी सेंट्रल की। तो स्टेट और सेंट्रल बीच में क्या है, लड़ाई होती रहती। क्यों होती रहती है? कि दोनों के अंदर डिफरेंट पार्टीज अगर है, यहाँ पे एक्स पार्टी, यहाँ पे वाई पार्टी, दोनों थोड़ी चाहेंगे हम आपस में काम सही से करें, तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ होता था। उस वक्त कौन आ जाता है? कोर्ट आ जाता है और बोलता है नहीं आपके जो ये है इस पे काम करो, आपके जो ये काम इस पे करो। तो वो एक आर्बिट्रेटर, एक मध्यस्थ, एक ऐसा जज का काम करता है जो दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व कर लेता है, ताकि इंडिया की जो है सैंक्टिटी या इंडिया की जो साख है वो बनी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन वो मजबूत बना रहे, इसलिए जुडिशरी की जरूरत पड़ जाती है। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स एंड द ओनली जुडिशियल इंस्टीट्यूशन टू एडजुडिकेट। इन एडजुडिकेट मतलब की आर्बिट्रेटर, मतलब की मध्यस्थता करना, ठीक है, फिर से मत पूछना। तो मध्यस्थता करना मतलब ऐसे जज का काम करना जो क्या वो केसेस को सॉल्व कर सके या जो है निपटारा कर सके, पंच का रोल अदा करना, ठीक है, इससे इजी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपके इसमें हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इंडिया फेडरल क्यों है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती और जिसके अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कि स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरे इंडिया को गवर्न करता है, हम सभी का बनाया हुआ है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, हमने बनाया है, और पूरी कंट्री उसी के हिसाब से काम करती है, ठीक है, वो कहलाता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसी कोई कंट्री है जहां पे वो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है तो वो फेडरल कंट्री होगी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गेट द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्ट्ररी टू द फेडरलिज्म ऑफ द यूएसए एंड बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, provision of only one constitution has been made। अब ये बोल रहा है यूएसए जो है कंट्री, उसके अंदर क्या है, स्टेट जो है उसके अलग कॉन्स्टिट्यूशन और जो सेंट्रल है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वहां पे क्या सिस्टम हो रखा है कि स्टेट जो है वो मिलके, जैसे कि फेडरेशन हमने बात की थी ना पहले वाले पार्ट में, मिलके आपस में मिलके फैसला किया है हम सब साथ में रहेंगे, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग रहेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग रहेगा। वहां पे आपको पता हो तो राज्यों की अलग से सिटीजनशिप भी है, ठीक है, अगर कोई न्यू जर्सी का है या कैलिफोर्निया का है या न्यूयॉर्क वगैरह कहीं का भी है तो वो न्यूयॉर्क का भी सिटीजन है, पासपोर्ट उसके पास न्यूयॉर्क का भी है और अमेरिका का भी है। तो ये दो चीजें हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या है, डाइवर्स नेशन है। अगर इस तरह से पासपोर्ट इस तरह से सिटीजनशिप बांटने लगे तो फिर वो मराठी बंगाली के हिसाब से बांटना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने एक ही रखा है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। हमने कितना ना जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ये सब उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। तो यूएसए और इंडिया की बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको। Provision of only one constitution has been made. The federal unit do not have the right to enact their separate constitution except Jammu and Kashmir. ठीक है, फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो छोटे छोटे स्टेट जो है उनको ये पावर नहीं है कि वो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, कहां पे, इंडिया में। जम्मू और कश्मीर का क्या था पहले, जब वो स्टेट जो अलग नहीं किया था, पहले क्या था,
कि जम्मू कश्मीर का अलग था। अलग क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एकॉर्ड हुआ था 1947 में, कश्मीर की प्रॉब्लम हो गई थी महाराजा हरि सिंह और पटेल जी के बीच में, तब उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस है, ठीक है, इसको जो है अलग काम करने दो, इसको जो है कोई रोकेगा नहीं, इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये अलग रहेगा, वहां पे कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। ये सब आपको उस टाइम बताया था जब ये जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट हुआ। अब जम्मू कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अब वहां पे चलता किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही चलता, ठीक है ना। ये मुद्दा बहुत उठा था और आपको बताया भी था, ठीक है। तो अब जम्मू, ये चीज तो पहले लिखी हुई है, बाकी अब जम्मू कश्मीर में अलग नहीं है, वो इसमें भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन है अपना इंडिया का। अब फोर्थ पार्ट, सिंगल सिटीजनशिप, आपको बताओ, अभी मैंने बताया इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है। आप राजस्थान के नागरिक नहीं हो, आप किसके नागरिक हो, इंडिया के नागरिक हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ वो बोलने में हम बोलते हैं कि हम जोधपुर से हैं, वहां से हैं, राजस्थान से हैं, पर आप हो तो इंडिया के ना, आपको एक ही सिटीजनशिप जाते हैं, आपको पासपोर्ट भी एक ही कंट्री का मिलता है, ऐसा नहीं है राजस्थान का अलग मिले और दूसरों का अलग मिले। क्यों? वही बात है कि अलग अलग जो कंट्रीज है, अलग अलग जो स्टेट्स है, उसके हिसाब से अगर बांटने लगे, उसके हिसाब से अलग जो है चीजें देने लगे, तो कैसे काम बैठे, ठीक है ना। इसलिए हमने एक को ही माना है कि इतने बड़े कंट्री में हम किस किस को अलग अलग पासपोर्ट, किस तरह से काम करेंगे, तो हमने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। है बात समझ में? चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है द राज्यसभा, द हाउस रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। आपको बताओ कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा जो चुन के आता है और वो सेंटर को चलाती है, और राज्यसभा है जो अलग है, उसके नॉमिनेशन कहाँ होते हैं, स्टेट में होते हैं। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। अगर नहीं बताया तो आप मुझे मैसेज कर देना, फिर से जो वीडियो बनेगी कल तुम्हें बताऊ, मेरे हिसाब से मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्टेट की तरफ से भी कुछ मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, जैसे राजस्थान से 10 लोग जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। तो अगर स्टेट की कोई बात करनी हो, आर्टिकल 249 और 312 हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा हो, तो उसमें यही था, स्टेट की बात उठानी हो तो उसमें क्या हो सकता है, राज्यसभा का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि स्टेट ने अपने रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहां भेज रखे हैं, राज्यसभा में भेज रखे। तो पार्लियामेंट में स्टेट के भी बोल है, मतलब स्टेट भी अपनी बात वहां पे रख सकता है, और सेंटर ने अपने आदमी कहां भेज रखे हैं, स्टेट में, कौन, गवर्नर, आईएएस, आईपीएस वगैरह। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, दोनों की जो पॉलिसी मेकिंग है उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसलिए ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ ले रहा हूं, बाकी सेम चीज ये। द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, अभी मैंने बताया कि सेंट्रल ने क्या किया है, अलग अलग कंट्रीज में क्या है, गवर्नर नाम का एक चीज जो है उसको अपॉइंट कर दिया है, ताकि उनके बीच में आपसी तालमेल बना रहे। आप ये पढ़ लेना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना। यूनिटरी डोमिनेंस, इसको देख लेते हैं। इंडियन फेडरल सिस्टम मे बी सेड टू बी बेसिकली अ सिस्टम ऑफ फेडरल डोमिनेंस। इट वॉज नेचुरल टू मेक द सेंट्रल पावरफुल टू कीप द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री सेफ एंड सिक्योर। ऑल्दो सम सेपरेटिस्ट थॉट एंड लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्जेक्ट टू द यूनिटरी टेंडेंसी। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि कंट्री का जो यूनिटरी, मतलब एक ही चीज आदमी जो है वो सारे फैसले लेगा, जैसे हमारे पीएम जो है उन्होंने फैसला लिया है भाई लॉकडाउन होगा तो पूरी कंट्री में होगा, ऐसा थोड़ी होगा, फिक्स फिक्स में होगा। तो ये अच्छी चीज है, जैसे क्या होता है पूरा कंबाइन है, अगर फैमिली है एक ही आदमी डिसीजन लेने वाला है, सोच सबकी अलग अलग है, आपको पता हो तो बच्चे अलग सोचते हैं, आपके ब्रदर अलग सोचते हैं, ठीक है, पर डिसीजन सब मानते किसकी है, सेंट्रल की। सेंट्रल कौन, जो भी आपका पावर होल्डर है पूरी फैमिली। उसी तरह इंडिया में हमने सारे डिसीजन किसको, एक जने को दे रखे हैं, ठीक है। कुछ लेफ्टिस्ट मतलब वो लोग जो थोड़ा अलग सोचते हैं, ठीक है, या सेपरेटिस्ट वो लोग जो चाहते हैं कि भाई जो है कंट्री में पावर डिफरेंट हो या पावर हमें भी मिले, ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट हो गए, जैसे नक्सलिस्ट हो गए, ये लोग जो है जो कंट्री को थोड़ा तोड़ना चाहते हैं या जो सहमत नहीं है जो अभी पॉलिसी चल रही है, वो लोग हमेशा ये प्रोसेस करते हैं, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा कहती रहती है नहीं 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 पावर डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंटर के पास, एक जने के पास नहीं होनी चाहिए, सबके बीच में डिवाइडेड होनी चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जो पॉलिसी मेकिंग है, डेवलपमेंट के काम है, उनके लिए सब डिवाइडेड है, उनके लिए सब डिवाइडेड है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लोग जो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इंडिया जो है डिवाइडेड हो जाए, अलग अलग मद्रासी यूपी अलग, बिहार अलग, इस तरह का मामला जो है वो लोग नहीं चाहते, इंडिया हमेशा डोमिनेट किसका रहे, यूनियन का रहे। इनफैक्ट द सेंटर हैज डिसाइसिव रोल थ्रू सेवरल प्रोविजन रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्या है कि सेंट्रल के जो रोल है, सेंट्रल का जो पार्ट है, वो किस तरह से डोमिनेंट, मतलब कहां कहां ऐसा हो जाता है कि सेंट्रल जो है वो डोमिनेट करता है, सेंट्रल जो है वो अपना एकाधिकार रखता है, कैसे, उसके एग्जांपल है, देखो ये लिखे हुए, क्या लिखे हुए, क्रिएशन ऑफ स्टेट। अगर कोई राज्य बनाना हो तो उसका फैसला कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेगा। तो जम्मू कश्मीर को जब अलग किया तो एक फैसला राज्यों से थोड़ी पूछा, वो तो सेंट्रल में जो उन्होंने लगा उन्होंने कर दिया, जैसे कि लॉकडाउन का डिसीजन था, जैसे कि नोटबंदी का डिसीजन था, तो ये सबसे पूछा नहीं जाता, ये जो है डोमिनेंस के हिसाब से जो मॉनिटर है उसने जो बोल दिया वो फाइनल।
क्रिएशन ऑफ स्टेट हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंड्रीज, अगर किसी स्टेट की बाउंड्री तोड़नी हो या कोई नए स्टेट बनाने हो, जैसे जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये सब डिसीजन कौन लेता है? ओनली जो है मेन सेंट्रल जो है या जो पीएम है या जो उसकी कैबिनेट है वो ही लेती है, स्टेट नहीं लेती। इमरजेंसी कहीं भी किसी भी पार्ट में इमरजेंसी लागू करनी हो, आर्टिकल 352, 356, 360, तो कौन करता है? सेंट्रल करता है, फिर वो स्टेट से नहीं पूछा जाता। इकोनॉमिक राइट्स हो, पैसे के मामले कुछ हो या रिजर्वेशन देना हो वगैरह सब, द स्टेटस ऑफ द सेंटर हैज बीन मेड पावरफुल एंड डिसाइसिव। मतलब कहने की बात है ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर सेंटर बिल्कुल एकदम से सारे पावर अपने हाथ में रखता है और किसी तरह का कोई इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डिफरेंट एग्जाम्पल प्रूव दैट द सेंट्रली एम्पावर्ड इंडियन फेडरलिज्म हैज In fact, played a very important role in maintaining the unity and integrity of India. और ये बहुत बार देखने में आया है कि ये जो फीचर्स है कि जहां पे सेंटर को इतना पावर दे रखा है, उससे फायदा ये हुआ है कि इंडिया जो है वो आज तक एक बना हुआ है, कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये अगर हम जो है डिफरेंट डिफरेंट पावर हर तरीके से बांट देते फैसला लेने का, हर आदमी से पूछते रहते, तो क्या हो जाता? बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स नेशन है। इसकी जगह कोई यूरोपियन कंट्री है जहां पे इतना कास्टिज्म नहीं है, इतना लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे हम पावर्स दे सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में दे रखा है स्टेट को, भाई आप भी अपने डिसीजन ले लो, पर इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते। और इसका आप एग्जांपल देख भी रहे हो, आज तक इंडिया इंटैक्ट है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा, ठीक है ना।